रीवा जिले में पुलिस कर्मियों के ऊपर आरोप लगना आम बात है। ताजा मामला चुरहटा थाना का सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने एक एएसआई पर गाली गलौज और अभद्रता करने का आरोप लगाया। वायरल वीडियो पुराना बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा सीएसपी को जांच के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में एएसपी विवेक लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। इसी मामले को लेकर दोनों पक्ष थाने आए थे, इसी दौरान यह घटनाक्रम बताया जा रहा है। वहीं मामले के शिकायतकर्ता शीतला प्रसाद तिवारी निवासी खैरी नई बस्ती ने बताया कि बीते दिवस उनके बड़े भाई धर्मेंद्र तिवारी को एएसआई नीरज सिंह घर से बिना परिचयों को सूचित किए थाने के वाहन से ले गए और थाने में बिना उचित कारण के बैठाए रहे। जब मैं थाना पहुंचा तो बड़े भाई को थाने के अंदर हॉल में बैठाए थे। जब मेरे द्वारा एएसआई नीरज सिंह से पूछा गया कि भाई को घर से क्यों पकड़ लाए हो, तो गुस्से में नीरज सिंह गाली देते हुए बोले कि तुम कौन हो पूछने वाले, नेतागिरी करते हो, और फिर इसके बाद वाद विवाद करने लगे। पुलिस अधिकारियों को मिली शिकायत के बाद अब पूरे मामले की जांच सीएसपी द्वारा की जा रही है। एक डेढ़ महीने पूर्व की बात है, चुरहटा थाने में आरटीआई के तहत वीडियो मांगा गया था। दो पक्षों में जमीनी विवाद और लेन देन का विवाद था। दोनों थाने आए हुए थे, तो जिसके संबंध में वीडियो उनको दिया गया था। वीडियो वायरल हुआ है, फिर अभी आज के समय जिसकी जांच सीएसपी को सौंपी जा चुकी है, आज तथ्यों के आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। परीक्षण हो रहा है, उसमें क्या वीडियो में क्या है, सीएसपी की रिपोर्ट के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी।